regions has been covered. Now at present it is throughout the India. It is throughout. Yaad rahega, employment assurance scheme is throughout India. And at least two people will be given, yes, employment from each family. From? Understood it? Samajh mein aa gaya? ज्यादा डिटेल में नहीं, बस थ्रू आउट इंडिया एंड टू पीपल विल बी गिवन व्हाट? इतना ही लिखिएगा, इसमें मैं कोई डेफिनेशन लिखवाने नहीं जाऊंगा. क्लियर है? थ्रू आउट इंडिया दिस प्रोग्राम इज एट प्रेजेंट. फर्स्ट इट इज इन द सम सेलेक्टेड एरिया, बट राइट नाउ इट इज ऐसे भी एरिया जहां पे बारिश भी हो रही है लेकिन फिर भी लोग भूखे हैं. यस आर नॉट? यस आर नॉट? तो उनको कैसे दिया जाए? तो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम है. यस आर नॉट? और इसी के इसमें ड्रॉट रीजन भी इट इज कवर्ड एंड देन नॉन ड्रॉट रीजन आर कवर्ड. अगला है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना. यदि कहा जाए ग्राम को समृद्धि करना, किसको करना? और दिस प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड इन प्लेस ऑफ जवाहर रोजगार योजना. पहले बोलते थे कि हम लोग इंप्लॉयमेंट दे रहे हैं, चलो अच्छी बात है. अब ये बोल रहे हैं इंप्लॉयमेंट के साथ सप्लीमेंट्री इंप्लॉयमेंट देना है. हमें क्या देना है? सप्लीमेंट्री. अंडरस्टूड इट? इंप्लॉयमेंट प्लस कैन यू रिमेंबर एम्प्लॉयमेंट प्लस. लेकिन कौन? शेड्यूल ट्राइव किसको? हु विल गेट शेड्यूल ट्राइव? बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल एंड हैंडीकैप्ड. विच वन? मतलब फिजिकली हैंडीकैप. कहने का मतलब समझ में आ रहा है? फिजिकली हैंडीकैप. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया गया होगा? गवर्नमेंट ने किसको दिया होगा? खेले लार्जेस्ट. और ये किसके अंडर में आएगा? ग्राम सभा. हु विल बी ग्राम सभा? अरे जैसे आप लोग शहरों में देखते हैं ना, रेसिडेंट वेलफेयर का क्या होते रहता है, एसोसिएशन होते रहता है, RWA. इलेक्शन होता है ना, तो पर्टिकुलर एरिया से कोई उठता है और वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में जो पैसा आता है वहाँ वहाँ के डेवलपमेंट में डालता है. यस? तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ ग्राम सभा है, दैट इज कनेक्टेड विद द नियर बाई ब्लॉक. कुछ आइडिया है ना? ब्लॉक वगैरह तो नहीं भी हो कोई बात नहीं, कई गाँव से कई गांव एक ब्लॉक के अंडर में आएंगे. दिस इज क्लियर? और ये 50,000 या 50,000 से ऊपर का एम्प्लॉयमेंट दे सकता है गांव में. 50,000 एंड मोर देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड. इतना ही आपको लिखने में काम आ जाएगा. ठीक है? अरे ये याद हो गया, फूड फॉर वर्क 8 states. यस आर नॉट? वेजेज एंड फूड एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन टू पीपल थ्रू आउट द इंडिया एंड देन जवाहर ग्राम समृद्धि योजना. ये जवाहर रोजगार योजना के एवज में आया. इट हैज बीन कम बाय रिप्लेसिंग दिस वन. एम्प्लॉयमेंट प्लस सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट एंड हु विल बी गिविंग? ग्राम सभा. एंड देर विल बी आई सेड दैट STBPL एंड इसके अलावा भी कोई और एम्प्लॉयमेंट दिया जाए. एक एम्प्लॉयमेंट होता है, एक इसके अलावा सप्लीमेंट्री. क्योंकि गाँव में क्या होता है ना, सीजनल एम्प्लॉयमेंट इज देयर. यस आर नॉट? इन द विलेज एरिया. और ऐसे ही अब ड्रॉट आ जाएगा तो देर इज अ नीड ऑफ एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट. चलो ट्रीज को प्लांट करो, एनी थिंग यू डू. यस, स्टार्ट मेकिंग पॉन्ड, दे विल इन्वॉल्व द पीपल. यस, एंड दैट इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ विलेज. यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है इन चारों में? अब बहुत ईजी है. अब प्रधानमंत्री सड़क योजना देखोगे
सो ध्यान से देखिएगा, एनी एरिया वेयर द पॉपुलेशन इज लेस देन 500 शुड बी कनेक्टेड विद रोड्स. और रोड बहुत सारे हैं, ऐसे जो एरिया हैं इन द, आई सेड दैट अराउंड 1.5 लाख एरिया इन इंडिया. हाउ मच? बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट मिलता रहेगा या नहीं रहेगा? सो सिंपली कनेक्टिंग अनकवर्ड 500 पॉपुलेशन वाला, अनकवर्ड रीजन्स थ्रू रोड्स. यस आर नॉट? तो कनेक्टिंग, यस कनेक्टिंग अनकवर्ड, जो अभी तक कवर्ड नहीं हुआ है दैट वी हैव टू कवर. सिंपल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. एंड ग्राम का मतलब ही है दैट इज व्हाट, विच ग्राम वेयर द पॉपुलेशन इज लेस देन, अंडरस्टूड, और इक्वल, सॉरी 500 अराउंड. ये चारों क्लियर हो गए ना? नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स अंत्योदय योजना. आपको क्या है इसका, बाइफर्केट करें. यस टेल मी, शैल आई रिमूव नाउ? एवरीवन, फूड फॉर वर्क एट स्टेट्स, इट इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम. Then I talked about employment assurance, food for work in the 8 states, clear, and then food and the wages are providing. Employment assurance scheme throughout the India, right now, earlier selected areas are there, and then 2 people given employment, each family. And then Jawahar Gram Samriddhi Yojana, employment plus Gram Samriddhi se hi dekhna, yes, the extra Samriddhi they want to give. Naam to Samriddhi hai, mile ya na mile. Employment and supplementary employment, and ST, BPL, handicapped. प्रधानमंत्री सड़क योजना, दिस इज क्लियर नाउ? सो द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंत्योदय? अंत्योदय पुअरेस्ट ऑफ द बीपीएल. बीपीएल में भी सबसे जो प्योर है, पुअर है. Sometimes when you are speaking a lot na, और साथ में जीभ भी जल गया है. So poorest of PPL, वहां तक मुझे अन्न पहुंचाना at the cost of 2 rupees wheat and rice 3 rupees, it is considered to be free. Clear? Yes, यही करेंगे ना, जहां पैसा ही नहीं है लोगों के पास, 2 रुपए में तो एटलीस्ट कुछ खरीद सकते हैं. Yes or not? और एक लिमिटेशन होता है 35 kg, अभी जो फिक्स किया गया, हाउ मच? क्लियर है? वो नेसेसरी नहीं है लिखना, बस इतने समझ में आएगा ना, इट इज मेकिंग द पीपल टू अवेलेबल फूड टू द पुअरेस्ट ऑफ द बीपीएल. यस आर नॉट? फूड अवेलेबल टू द पुअरेस्ट ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल. यस आर नॉट? बिलो पॉवर्टी लाइन से भी जो पुअरेस्ट हैं उनको देना है मुझे. और आप भी जानते कैसे जाएगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसको देगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. यस आर नॉट? जो राशन की दुकान है ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसके अंडर में होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड पीडीएस विल बी अंडर व्हाट? और ये एकदम फ्री रहेगा, द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग द फूड एट फ्री. और यही जो यहाँ पे मन जो आया हुआ है अन्न, इट इज थ्रू द MSP. यस, अभी बिहार में पूछा गया MSP क्या है तो पता ही नहीं चला था किसी को, सब अगेंस्ट मोदी, अगेंस्ट मोदी, अगेंस्ट, एंड नोबडी वाज नोइंग दिस व्हाट इज MSP. सो इट हमारा जो सर, हमारी जो है ना वो, दैट इज अ चैरिएटर, कृष्णा के हाथ में नहीं है, गुंडों के हाथ में. दिस इज क्लियर? अंत्योदय. अब ध्यान से, मैं अब ये नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम की बात कर रहा हूं, ध्यान से. देर आर सेवरल पीपल हु इज 60+, उनको क्या प्रोवाइड करना है, पेंशन. समझ में आ गया ना? 60+ पेंशन, ओल्ड एज हो सकते हैं, इनफॉर्म पीपल जो भी हैं, लेकिन
आउट ऑफ दोज सम आर अनकवर्ड, सम आर दे आर 60+ बट दे आर नॉट गेटिंग, दे विल गेट अन्नपूर्णा, दे विल गेट। तो पहले मैं नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम करा दूं और अन्नपूर्णा उसके साथ हो जाएगा, इट इज कोरिलेटेड, यस आर नॉट। तो आई सेड दैट नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम हु विल गेट 60+ विल गेट अंडर विच वन, अंडर नेशनल सोशल सिक्योरिटी, नेशनल सोशल सिक्योरिटी एश्योरेंस, यस आर नॉट, या एजेंसी लिख सकते हो, क्योंकि हमें स्कीम, आप नेशनल सोशल सिक्योरिटी स्कीम है कि इसमें सोसाइटी को स्पेशली उन लोगों को बचाना है जहां पर किसी के हाथ में मां बाप बच्चों को छोड़ देते हैं 60+। आज भी ऐसी सिचुएशन है, यू नो दैट इंडिया में कितने लोग हैं, सो मेनी पीपल विल बी देयर। 60+ विल गेट व्हाट? पेंशन, यस आर नॉट? क्लियर? आप डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, कई लोगों को पता ही नहीं हमारे हिंदुस्तान में इतना एजुकेशन है, सो मच, यस आर नॉट? पढ़े लिखे होकर भी आप दूसरों की सहायता नहीं कर सकते हैं बिकॉज यू आर इलिटरेट। इफ यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द नॉलेज यू आर इलिटरेट, यस आर नॉट? नॉट लिटरेट। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, लेकिन इसमें जो अनकवर्ड हो गए दे विल गेट अन्नपूर्णा, दे विल गेट। What is अन्नपूर्णा? मजा आ रहा है आप लोगों को? आई डिड आस्क यू, मैंने आपसे नहीं पूछा, आप तो बस 8:30 हुआ होगा, देयर आफ्टर सर प्लीज। क्लियर? अन्नपूर्णा स्कीम, इट इज आई सेड दैट, ये क्या है? यस टेल मी, दोज uncovered under national old age pension scheme, yes or not? National old age will get food, और कैसे? लगभग फ्री है, लगभग फ्री का कहने का मतलब फ्री नहीं होता, कुछ कॉस्ट लिया जाता है, इट इज क्लियर, लिटिल कॉस्ट यू कैन से। लेकिन अंत्योदया में जितना बोला था ना, 2 रुपए 3 रुपए, हैव यू हर्ड अबाउट 2 रुपीज 3 रुपीज? ये उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा, 4.5 रुपए 8 रुपए ऐसा रहेगा। वो तो पोरेस्ट ऑफ द बीपीएल है ना, जो कि माल न्यूट्रिशन से हाईली अफेक्टेड। समझ में आ गया? दोज अनकवर्ड अंडर एनओपीएस विल गेट फूड, लगभग फ्री कहा जाए, और मैंने डाटा आपको बता दिया, यदि आप लिखना चाहते होंगे तो 4.5 रुपीज पर केजी वीट मिल जाएगा, ऐसा रहेगा। थोड़ा बहुत पर ईयर दे कैन चेंज, कभी भी वो चेंज कर सकते हैं, वो जो डाटा है कितने केजी पर केजी जाएगा। इट इज क्लियर टू यू? समझ में आ गया? बहुत आसानी से सब कुछ नाम बताया मैंने एक एक लाइन में और एसोसिएट करके बताया मैंने, इज इट क्लियर? एंड द लास्ट वन इज व्हाट? इंटीग्रेटेड। सबसे ज्यादा चाइल्ड है, इनको तो पहले हमें क्या देना होगा? यस, न्यूट्रिशन प्लस प्री प्राइमरी स्कूल, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये 1975 का है, प्री प्राइमरी स्कूल, यस आर नॉट? चिल्ड्रेन विल गेट व्हाट? न्यूट्रिशन प्लस फूड, न्यूट्रिशन फूड प्री प्राइमरी स्कूल, हेल्थ फैसिलिटी। क्या मदर केवल बच्चे को न्यूट्रिशन फूड दिया जाए? मदर जो उसके पास अच्छा नहीं रहेगा न्यूट्रिशन, हाउ सी कैन फीड?
चाइल्ड प्लस मदर, चाइल्ड प्लस मदर, क्लियर है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इट इज़ नॉट ओनली इंटीग्रेटिंग वन थिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? कभी भी आप समझिएगा, जैसे बोल दिया जाता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका मतलब होता है कि पहले के जितने भी प्रोग्राम चल रहे थे उसको इंटीग्रेट कर लिया गया है. अंडरस्टूड इट? एंड कमिंग अंडर वन स्कीम, जैसे स्कूल है, यस और नो, न्यूट्रिशन फूड है, हेल्थ फैसिलिटी है. अंडरस्टूड इट? इट इज़ इंटीग्रेटेड, क्लियर? सो आज हम लोग यहाँ तक रहते हैं. कल ध्यान से रख सुनिएगा आप लोग. टुमारो आई विल स्टार्ट विद, आई सेड दैट कोल्ड वेव्स एंड हीट वेव्स, और टाइम मिला तो फॉरेस्ट फायर, क्लियर? एंड डे आफ्टर टुमारो इट इज़ बायोलॉजिकल. मज़ा आ गया यहाँ तक? इसका केवल टू पॉइंट्स मुझे, दो पॉइंट्स बात करना है, वो छोटा छोटा है. वन, इट इज़ अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसमें हम लोग बोलेंगे क्रॉप वेदर वॉच. यस आर नॉट? क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप वाला काम करेगा, अर्ली वार्निंग, ऑपरेशन ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम, ध्यान है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पर है. और थोड़ा सा सेंटर स्टेट क्या काम करता है? सेंटर बोलेगा फूड दो, हेल्थ के लिए पैसा दो, लोगों को न्यूट्रिशन दो, मनी दो, मतलब ये सारे काम जो सेंटर स्टेट बोलेगा. सेंटर बोलेगा कि यदि ड्रॉट आ गया तो लोग यदि पैसा दे रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? फ्री फ्रॉम टैक्स एग्जेम्पशन होना चाहिए. यस? और बोलना चाहिए कि सभी जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए, और यदि किसी के पास एनिमल है तो उनके लिए फॉडर दिया जाए लाइव स्टॉक को. यस आर नॉट? तो ये सारी चीज़ें जो सेंट्रल स्टेट अलग से काम करेगा, मीन्स हार्डली इट विल टेक, आई सेड दैट 20-25 मिनट्स और 30 मिनट्स टुमारो टू फिनिश दोज, एंड देन आई विल कम फॉर द कोल्ड वेव्स एंड हीट वेव्स. तो कल हम लोग उसको लेकर, और टाइम मिला तो फॉरसो बायोलॉजिकल डिजास्टर, एंड इफ आई विल बी एबल टू गेट द टाइम, एंड डे आफ्टर टुमारो विल बी द, आई सेड दैट क्लास कैन बी लॉन्गर, द डे आफ्टर टुमारो दैट इज़ ऑन वेडनसडे क्लास कैन बी. So you should be and everybody should be prepared. 2 days थोड़ा सा आप लोग prepare रहिएगा. I'll have to, क्लियर?